दोस्तों कैसे हो आप लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कटिंग लेंथ किस तरह निकालते हैं एक मास्टर रिंग की। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा आपको कि कटिंग लेंथ कहाँ से निकाली जाती है, बट थोड़ा सा चेंजेस बताऊंगा मैं यहाँ पे। जब आपका कन्फाइनमेंट जोन आता है वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिंग थोड़ी डिफरेंट दी गई होती है। मतलब कन्फाइनमेंट जोन में स्पेसिंग को कम रखते हैं, बाकी जगह पे थोड़ी बढ़ा कर रखते हैं। तो उसको ड्राइंग में किस तरह पढ़ना है और उसके अगेंस्ट में कटिंग लेंथ कैसे निकालना है और उसके नंबर ऑफ बार कैसे निकालना है वो आपको बताता हूँ मैं अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पर कॉलम का डायमेंशन दिया गया 300x1200 का कॉलम है। उसमें फिर नंबर ऑफ बार दिए गए, मेन बार के लिए 12 बार है, 16 के 10 बार है 12 mm के। फिर कॉलम नंबर दिया गया है फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की डिटेल्स के लिए, ये वाला रेफर करना है, ये दिया गया। फिर यहाँ पर आप रिंग में देख सकते हो, यहाँ पर एक क्लोज्ड रिंग दी गई है। पिछले वाले वीडियो में दो रिंग थे एक ही लेयर में, यहाँ पे एक सिंगल रिंग है। फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल चिपी है और ये वर्टिकल चिपी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में आप स्पेसिंग में नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है। लोकेशन वन में दिया गया 10 mm का बार 100 mm स्पेसिंग पे, और लोकेशन टू पे 8 mm का बार दिया है 150 mm स्पेसिंग पे। तो कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सा कन्फाइनमेंट जोन में आ रहा है, तो हमेशा समझ जाना कि स्पेसिंग कम रहेगी मतलब वो कन्फाइनमेंट जोन का बार है, और अगर डाया ज़्यादा रहेगा मतलब वो कन्फाइनमेंट जोन का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डाया भी ज़्यादा है और स्पेसिंग कम है, यहाँ पर डाया कम है और स्पेसिंग ज़्यादा है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि कटिंग लेंथ निकाल कर कैसे आपको नंबर ऑफ बार्स निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बना के रखा ऑलरेडी शेप ऑफ बार किया दिया है, और लोकेशन वन के लिए भी मैं निकाल रहा हूँ। लोकेशन वन लोकेशन टू दो जगह के आपको निकालने पड़ेंगे। तो कटिंग लेंथ में मैंने वही ले लिया 2a + 2b + 2 × 10d - 5 × 2d। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, 5 मैंने क्यों लिया क्योंकि 5 बैंड आ रहे, 1, 2, 3, 4 ये वाले बार के लिए, 5वां ये वाले साइड के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निकालना है। ये 10 mm का बार है लोकेशन वन के अंदर, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे, और लोकेशन टू में 8 mm का है। तो मैंने कटिंग लेंथ तो निकाल दिया, आप सीधे बढ़ते हैं नंबर ऑफ बार्स के लिए। तो आप पॉज करके इसको देख सकते हो किस तरह से आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए आपको लगेगा ये लोकेशन वन का डिस्टेंस, जो कन्फाइनमेंट जोन की लेंथ है। तो उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा जनरल ड्राइंग। तो यहाँ पर आप जनरल ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने दिया है, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल टू यू और नॉट, मैं जूम कर लेता थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन L1 दिया गया 1/6 ऑफ द क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम, और लार्जर लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, और 450 mm। तो इनमें से जो ज़्यादा होगा वो होगा आपका L1, ठीक है। तो क्लियर हाइट मतलब क्या हो गया, बीम बॉटम से लेके फ्लोर टॉप तक के, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस लेट्स सपोज ये मेरा सेक्शन है, तो यहाँ पर बीम बॉटम यहाँ पे दिया है, स्लैब टॉप ये वाला दिया है। तो मैंने 3 मीटर सपोज अज्यूम कर लिया हाइट है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ठीक है, और 650 की मेरी बीम है। तो अगर मैं 3 मीटर - 650 कर दूंगा तो मुझे ये क्लियर हाइट मिल जाएगी मेरे कॉलम की, यानी कि वो होगी 2250 mm। तो मुझे 1/6 निकालना है L1 के लिए, तो 1/6 ऑफ 2250 विल बी इक्वल टू 375। तो ये बहुत ही कम आ रहा है, तो मतलब जो मेरा ये वाला 450 mm के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो वाला सफाइस कर रहा था। तो मतलब मेरी L1 हाइट होगी 450 mm की। ओके, सो L1 यहाँ पर होगा और L1 यहाँ पर होगा कन्फाइनमेंट एरिया में, और प्लस जो बीम जो आप देख सकते हो यहाँ पे 650 mm की मैंने डिनोट किया, वहाँ पर जो होगा कन्फाइनमेंट एरिया होगा। बाकी L2 जो होगा वहाँ पे आपको जो स्पेसिंग है बढ़ाकर रखना है। तो मैं यहाँ पे पूरा एंट्री कर देता हूँ, मैंने लिख के रखा ऑलरेडी। तो 2 times ऑफ L1 इज 450 प्लस बीम डेप्थ है मेरी 650 की डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग मुझे दी गई 100 mm की, आप जहाँ पे देख सकते हो, प्लस 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 16.5, यानी कि 17 बार्स मुझे लगेंगे यहाँ पे, मतलब 17 लेयर्स आएंगे या 17 बार्स आएंगे। तो अभी आपने कन्फाइनमेंट एरिया में निकाल दिया है, अभी आपको निकालना है नॉन कन्फाइनमेंट एरिया में, यानी L2 डिस्टेंस में कितना आ रहा है। तो L2 डिस्टेंस में आपको देखना है कि साइज़ क्या दी गई है और स्पेसिंग क्या दी गई है। तो साइज़ 8 mm की और 150 mm की स्पेसिंग है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाएगा। अब ये लोकेशन 2 है, डाया चेंज हो गया, तो थोड़ा सा कटिंग लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। 2D में 2 × 8 हो जाएगा, 10D में 10 × 8 हो जाएगा। तो वो मैंने थोड़ा चेंजेस करने के बाद में कटिंग लेंथ मैंने निकाला इतनी। अभी आपको नंबर ऑफ बार्स निकालना है। नंबर ऑफ बार्स में थोड़ा सा वापस से यहाँ पे चेंज है। अभी आपके पास फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 3 मीटर की, ठीक है। अभी जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर आपको निकालना है कि कितनी आपकी जो है लेंथ निकल रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर स्लैब टॉप से लेके ये वाले स्लैब टॉप तक के जो डिस्टेंस था वो था 3 मीटर का। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल दिया वो स्पेसिंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेसिंग निकाल दिया। बचता क्या है, ये वाला, यानी कि जो टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट है माइनस अगर मैं कन्फाइनमेंट एरिया माइनस कर दूंगा उसमें से और डिवाइड बाय स्पेसिंग कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा।
तो वही मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फ्लोर टू फ्लोर हाइट में मेरी 3 मीटर की माइनस कन्फाइनमेंट जोन, और मेरी कन्फाइनमेंट लेंथ क्या है 650 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है। अपॉन स्पेसिंग मेरी है 150 mm की, थोड़ी बढ़ा दिया हूँ मैंने स्पेसिंग यहाँ पे नॉन कन्फाइनमेंट एरिया में, प्लस 1 कर दूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाता है 1450, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो ये आ जाता है 10.6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11.6 इज इक्वल टू 12 bars। ओके, तो ये इस तरह से आपको निकालना है, तो 12 बार्स आपको मिल गए। तो अभी हम निकालेंगे चेपिया की लेंथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 नंबर मैंने नेम किया हो शेप ऑफ बार, और मैंने बना दिया उसका शेप, और ड्राइंग में जैसे ही था वैसे की वैसे ही बनाया मैंने, जो वर्टिकल है वो यहाँ पर बनाया हो, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है तो आप देख सकते हो वो भी मैंने बनाया हो नीचे की तरफ में। यहाँ पर दोनों की लेंथ अभी हम निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ के लिए ए मैंने लिख दिया यहाँ पर, वो 220 का रहेगा, क्योंकि जो मेन लिंक होती है हमारी वो साइज़ का ही चिपिया बनता है, तो वहाँ पर हमें सेम लेंथ ही लेना पड़ता है। तो 220 mm मैंने लिख दिया हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर किया था ए के लिए 220 mm लिया था। उसके बाद में आपको सिंपली ऐड कर देना है, 8 mm का मेरा चिपिया है तो ये कटिंग लेंथ इस तरह से आ जाती है। फिर देखो, 7 एक लेयर में 7 बार है, तो नंबर ऑफ लेयर्स आपको कैसे निकालना है। तो कटिंग लेंथ निकालने के बाद में यहाँ पर ये आपका सेक्शन है, कन्फाइनमेंट जोन में कुछ तो लेयर्स है बार्स के, ये वाला, फिर नॉन कन्फाइनमेंट जोन में है, तो जो नंबर ऑफ लेयर्स नॉन कन्फाइनमेंट जोन में और जो कन्फाइनमेंट जोन में है उन दोनों को ऐड कर लो सिंपली। तो 17 यहाँ पर कन्फाइनमेंट जोन में लेयर है प्लस नॉन कन्फाइनमेंट जोन में है मेरे 12 लेयर्स, तो 17 प्लस 12, तो टोटल मेरे लेयर्स जो हो जाते हैं वो होते हैं 29 लेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स हो गए मेरे 29 लेयर्स मल्टीप्लाइड पर एक लेयर में मेरे कितने बार्स है 7 है, तो टोटल चिपिया मेरा मिल जाएगा 29 × 7, तो टोटल 203 चिपिया मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे मैंने लेंथ अलग निकाला, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ना, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, ये जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो थोड़ा कम है, तो कैसे निकालना है आपको। पहले तो ये लेंथ ले लो 1200 mm की, माइनस जो बार के डाया है ना सब माइनस कर दो, तो मैं 1200 माइनस ये 16 का बार है बड़ा वाला और छोटा वाला बार है 12 mm का, तो माइनस 16 माइनस 16 माइनस 12 12 12 12 इस तरह करूँगा, माइनस 16 माइनस 16, तो मुझे कुछ तो लेंथ मिलेगी, तो वो होगी मेरी 1086 के आसपास, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा, ठीक है, तो वो मुझे मिल जाता है कुछ 135 mm, तो वो होगा ये वाला डिस्टेंस। तो ये आप सिंपली ऑटोकैड से भी निकाल सकते हो, इतना कुछ आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑटोकैड से मिल जाता है ये। तो ये 135 वहाँ से आया है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डेटा पुट कर दिया, तो मुझे लेंथ मिल जाएगी 263 mm की। अगेन नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर है 29 लेयर्स, एक लेयर में मेरे है 2 बार्स, ठीक है, तो 29 नंबर ऑफ बार्स हो गए 29 × 2, तो टोटल 58 चिपिया लगेंगे, यानी चिपिया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ कैलकुलेट किया जाता है कन्फाइनमेंट जोन में, थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, यानी नहीं तो क्या होगा, जब आप BBS में इसको एंट्री करते हो ना थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा हर बार जब भी आपका कन्फाइनमेंट जोन में जो स्पेसिंग है वहाँ पे चेंज होती है और डाया चेंज होता है। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा, फिर भी कुछ डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो इसके बारे में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।